मित्रों, रोशनी मेरे मुंह पे नहीं है बिल्कुल, क्या कर वेलकम। कुछ बातें करेंगे आज पेपर से रिलेटिव। और सुनाओ मित्रों, कैसे हो? वेलकम। आके जाना जाके आना, मित्रों वेलकम, आपका स्वागत है मित्र। अब शुरुआत करते हैं हम आप आज के बात की। वेलकम राजेश मीणा, स्वागत है बेटा आपका। आज हम अभी शुरुआत करेंगे किस चीज़ की, और शुरुआत भी कहाँ से करेंगे वो भी शुरू करें। खुश रहो बेटा। रामपाल वेलकम। ओ आप तो आज तो आप विजेता हैं, बधाई हो रामपाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। राजेश खुश रहो बेटा, आनंद रहो। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे, और शुरुआत चार लाइनों से शुरुआत करेंगे कि रात भर न सोती हैं ये हवाएं, रात भर न सोती हैं ये हवाएं, कांटों भरी लगती हैं ये हवाएं, रात भर न सोती हैं ये हवाएं, कांटों भरी लगती हैं ये हवाएं, बस तेरी चाहत है ए मंजिल, बस तेरी चाहत है ए मंजिल, तेरी याद में जगाती हैं ये हवाएं। मित्रों इस समय आप लोग रात रात भर जग रहे हैं इस ठंड के मौसम में, इस कोरोना काल में, और तैयारियां कर रहे हैं। मित्रों सबसे पहले आपके बीच में हैं रामपाल जी, जिनके पिताजी का नाम है श्री माघाराम जी, गांव है इनका सरवड़ी, और पोस्ट है खंडप है इनका, तहसील समदड़ी है, और ये बाड़मेर से हैं। मित्रों आज इन्होंने ऐप पर टेस्ट सीरीज में जो स्थान प्राप्त किया है उस पर इन्हें सुफलाम क्लासेस की ओर से एक बुक जो 249 की है वो इन्हें पुरस्कार में दी गई है। अब आ जाओ सीधी सीधी बात कि रीट की तैयारी जो आप कर रहे हैं, और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोगों के बीच में रामपाल जी हैं, उन्हें आप सभी अपनी ओर से भी बधाई दें, ताकि जब आप सफल हो तब रामपाल जी 2 बार बधाई दें आपको। तो मित्रों निश्चित रूप से ये छोटी सी सफलता है। मैंने एक पंक्तियों से शुरुआत की थी कि रात भर न सोती हैं ये हवाएं, पक्का मित्रों इस समय आप जो मेहनत कर रहे हो, और कांटों भरी लगती हैं ये हवाएं, बस तेरी चाहत में ए मंजिल, मेरी तेरी याद में ए मंजिल, रात भर जगाती हैं ये हवाएं। इनके साथ में हम बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजेश जी ने, आपको जो है रामपाल जी आपको बधाई दी है। और मित्रों अब बात करते हैं रीट के 150 प्रश्नों पर, फिर बात करेंगे हम कैसे उनको सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन का जो हमारा सबसे बड़ा है वो चल रहा है कि सबसे पहले तो ये है कि हम अपने आप को मोटिव करें तो कैसे करें। नंबर 1, सबसे पहले ये क्लियर करो कि आप लेवल फर्स्ट के हो कि सेकंड के हो। यदि फर्स्ट के हो तो भी आपके 150 प्रश्नों का पेपर आएगा, और यदि सेकंड लेवल के हो तो भी 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आएगा। नंबर 2, दोनों में ही रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर 3 नंबर ये है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे नंबर पर हम देखें यहां पर चौथे नंबर पे कि अब इस पेपर को कैसे फाइट किया जाए, और फाइट का मतलब है सिलेक्शन, ना कि नंबर 90 ला करके पास करना। तो उसका तरीका नंबर 1 है हमारे पास कि सबसे पहले अपने आप पे हम विश्वास करें, अपने पढ़े हुए पर विश्वास करें, और अपने आसपास के परिवेश पे भी विश्वास करें। यानी आपके साथीगण जो आसपास बैठे हुए हैं उन पे ये विश्वास करें कि वो आपको डिस्टर्ब करने नहीं बैठे हुए हैं, अभी तो आपको जिताने बैठे हुए हैं। उसके बाद में सबसे पहले ये आकलन करें कि आपका वह सब्जेक्ट कौन सा है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। सबसे ज्यादा डर कौन से सब्जेक्ट से लगता है उस पर फोकस करो। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपका, और ऐसी स्थिति में चाहे वो मनोविज्ञान हो आपका, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका जीके हो, चाहे वो आपकी संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, और हो सकता है पर्यावरण भी आपको परेशान कर रहा हो। ईमानदारी से ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि क्या वही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, या आपको डरा रहा है, या फिर और सब्जेक्टों में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। ये क्लियर करके चलना, क्योंकि दिमाग में जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये समस्या होगी कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। फिर सबसे बड़ा ये है कि जब ये दिमाग में लिख लो, पेपर पे लिख लो कि किस किस टॉपिक में आप अच्छे हैं और किस टॉपिक में आप वीक है। पहले जो आप अच्छे हैं उनको लिख लें कि साहब इस संस्कृत में ये टॉपिक मेरे अच्छे हैं, कहीं गलती नहीं होंगी मेरे से। हिंदी में ये टॉपिक अच्छे हैं, इनमें मेरे से कहीं गलती नहीं होगी। और इसी प्रकार सभी पे जो आपके टॉपिक मजबूत हैं उनको अभी से ही आप चेक कर लो, यानी लिख लो। फिर अपने पेपर पे, दूसरे पेपर पे लिखो कौन कौन से टॉपिक कमजोर है। और सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है? जो टॉपिक मजबूत है आप प्रतिदिन वहां से पढ़ना शुरू करो, और जब जैसे ही 1 घंटा या 45 मिनट हो आप उस टॉपिक को ले लो जो आपको सबसे कठिन लगता था, आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका दिमाग कहां चला गया? सीधा सीधा याद करने पर, क्योंकि सरल से कठिन की ओर। आप हमेशा याद रखिएगा, आप विधियां पढ़ते हैं जिसमें आगमन विधि है, तो आगमन विधि क्या करती है? उदाहरण से नियम की ओर ले जा रही है। ऐसी स्थिति में आपके लिए एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास याद है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे सीखना है आपको। तो सुनिए, किसी ने सीखने पर भी कुछ कहा है, किसी ने सीखने पर भी कुछ कहा है। मैं उस सीखने पर भी बता दूं, हवाओं के साथ बहना हमने सीख लिया है। 2 लाइनें हैं, सुनिएगा ढंग से। हवाओं के साथ बहना हमने सीख लिया है, हर खुशी को सजोना हमने सीख लिया है। तू आजा ए मंजिल, तू आजा ए मंजिल, तू आजा ए मंजिल, हमने हाथों से अपनी तकदीर क्या कर लिया है, बनाना सीख लिया है। तो मित्रों आप लोगों ने अपनी तकदीर बनाना सीख लिया है, इसीलिए कहा सीखना वहां से शुरू करना चाहिए जहां से आता हो, जहां से आता हो, और निश्चित रूप से आपको आएगा। और ऐसी स्थिति में जब आप दोनों, पहले जो आता था उसको और जो दूसरा जो नहीं आता उसको, दोनों को रखें सामने और फिर ईमानदारी से रोज ये ध्यान रखें कि उन दोनों पेजों को ये ध्यान रखें कि जो नहीं आता है उसका थोड़ा थोड़ा भाग याद करके जो आता है उसमें समावेशित करना सीख जाए। आप कुछ ही समय बाद में देखेंगे। खुश रहो बेटा। जो है यहाँ पर अशोक जी कह रहे हैं नमस्कार बेटा, खुश रहो। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान रखो कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपने सीखना जो याद था आपके और जो दूसरा जो याद नहीं था, कुछ समय के बाद में आपको ये पता चलेगा कि जो आपको नहीं आ रहा था वो भी आने लग गया। अब यहाँ एक समस्या होने वाली है, वो समझ लो। ये समस्या ये है कि जब हमें दोनों चीजें आ जाती हैं पूर्ण रूप से तो एक ही समस्या आती है, हमें और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो मैं फोड़ दूंगा, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, अब तो पेपर में फाड़ दूंगा, ये इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी के सामने हम अपनी सफलता से पहले ही अपना बखान करने लग जाते हैं। बेटा जब तक पेपर ना हो तब तक अपने दिमाग को ये आदेश डाल लो कि जब तक सफलता दुनिया को ना नजर आ जाए मेरी सफलता तब तक नहीं है। और ये सफलता दुनिया को कब नजर आएगी, जब आपका सिलेक्शन का वो आएगा, केवल रीट पास करने का प्रमाण पत्र नहीं अपितु आपके ज्वाइनिंग का लेटर। और तब तक आपको अपने आप को कंट्रोल रखना होगा, और ये कंट्रोल तब तक रखना होगा। अच्छा, आप कब श्योर होगे कि आपका सिलेक्शन होगा ही? मित्रों अधिकांश आपके ऐसे, आप में से ऐसे बच्चे हैं, और मैं तो कहूंगा कि सारे वो एग्जाम में बैठने वाले बच्चे हैं जिन्हें एग्जाम हॉल से निकलते ही, बाहर आते ही पता चल जाता है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि अपना मूल्यांकन वो अंदर ही से बाहर आते आते कर चुके हैं कि किस प्रश्न पे आप गलत उत्तर लगा चुके हैं, और वो भी आते हुए। दूसरा सबसे बड़ा ये है, इसी के साथ में हमेशा ये ध्यान रखो कि कमजोरी पर ध्यान मत दो। होता क्या, अधिकांश बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, करीबन 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहे हैं। जब वो वहां से पढ़ करके बाहर निकलते हैं चाय नाश्ता बिस्किट खाने के लिए, तो उनके साथ में एक समस्या ये है कि वो वहाँ बैठे बैठे ये सोच रहे होते हैं कि मेरे 20 पेज अभी बाकी हैं, मेरे 10 पेज अभी बाकी हैं, और ऐसी स्थिति में वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं जो 90-80 पेज याद कर चुके हैं या फिर 20 पेज याद कर चुके हैं, उन्हें वो याद ही नहीं करते। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। ये डर कैसा पैदा हो जाता है, सबसे बड़ा उनके साथ में, वो डर पे बात कर ले हम, वो डर एक ऐसा सबसे बड़े पैदा हो जाता है उसके बीच में। उसका सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो डर उसको अगले वो 20 पेज है, यदि किसी कारणवश याद नहीं हुए या नहीं पढ़ पाया तो वो 80 पेज उसके लिए बेकार हो जाते हैं। और अगले दिन वो क्या करता है, वहीं से शुरू करता है जहां से वो कल आया था, जहां से वो कल से आया था वो वहीं से शुरू करता है। ऐसी स्थिति में ये समस्या सबसे बड़ी होती है। लगा ये ध्यान रखो मित्रों। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो जो भी याद कर रहे हो उसे याद रखो, जो याद नहीं हो रहा उसे याद मत रखो, क्योंकि उसे कल याद कर लेंगे। लेकिन यदि हमने जो याद किया है उसे तो हमने क्या किया, उसे तो हमने भुलाने की कोशिश करी, और जो याद नहीं है उसको याद रखने की कोशिश करिए। तो रात भर, मैंने पहले ही कहा था कि न रात भर न सोती हैं ये हवाएं और कांटों भरी लगती हैं ये हवाएं। ये उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जिसने आज याद किया था, लेकिन उसके दिमाग में याद क्या रहा कि जो याद नहीं किया वो याद दिमाग में चल रहा है कि वो पढ़ना है वो पढ़ना है। तो उसके लिए वो कांटों भरी हवाएं हैं और वो सोच क्या रहा है, बस तेरी चाहत ए मंजिल तेरी याद में जगाती हैं ये हवाएं। तो मित्रों, मंजिल की याद यदि प्राप्त करना है तो याद है उस पर फोकस कर लो। और मेरा ये कहना है अधिकांश बच्चों का यही समस्या है कि किसी के पास में 4 घंटे हैं पढ़ने के लिए, बाकी दिन उसे अपना वर्किंग करना पड़ता है। कुछ ही बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो घर पे बैठ के पूरे दिन पढ़ सकते हैं। बाकी के रीट के और फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रतिदिन वर्किंग पे जाना पड़ता है और वो अपने परिवार को पालने का काम भी करते हैं, साथ में वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनके पास में समय केवल 2 से 4 घंटे हैं। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके समस्या भी यही है कि ससुराल है और परिवार है, दोनों का होने के बावजूद वो 2 से 4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं दे सकती हैं। मैं उनको भी यही सुझाव दूंगा कि सबसे पहले आप सिलेबस में ये उठा के देखें कि आपको किस में कॉन्फिडेंस है, कि कौन सा टॉपिक जो है आप एक बार में पढ़ करके याद कर सकते हैं। दूसरा ये क्योंकि वो मजबूत है तो उसे पहले लिख लें, सबसे पहले वो लिखें जो याद है और फिर दूसरे चैप्टर पे वो लिखें पेज पे जो याद नहीं है और बहुत कठिन लगता है। अब ये कहा जाए कि साहब संस्कृत तो हमारे 10वीं क्लास के बाद नहीं थी, मैं तो 0 लेवल हूं। तो मित्रों, एक बार सिलेबस को हाथ में लो और देखो तो सही, क्या पूरा सिलेबस ही कठिन है या केवल ये सोचना कठिन है। और जब आप ये खुद करना शुरू करेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा आपको कि आप निश्चित रूप से जल्दी ही मेरी इस जो चीज़ समझाई है मैंने। अच्छा, जैसा प्रश्न है मेरा एक छोटा सा, अधिकांशतः हम बीएड और बीएसटीसी वाले आप बच्चे बैठे हैं, अधिकांशतः इसमें होता क्या है वो सोचो। नंबर 1, मेरा ये पूछना है कक्षा 6 में संस्कृत का पाठ है जिसमें एक फोटो दे रखी है, उसके नीचे कपोता है लिख रखा है। चलिए, कपोत क्या है? एक वर्ण है कि एक शब्द है? बताइए मित्रों, एक वर्ण है कि शब्द है कपोत? अरे कबूतर हिंदी में जो कहा गया, कपोत क्या है? कोशिश करें आंसर देने की। कपोत क्या है? कपोता हिंदी में से कहा जाता है कबूतर। यह शब्द है कि ये एक वर्ण है? ये शब्द है। बहुत बढ़िया, वर्ड यानी शब्द है, बिल्कुल शब्द है। और शब्द को हम अक्सर संस्कृत में क्या कहते हैं? पद। संस्कृत में क्या कहते हैं भाई? पद। भाई कपोत पक्षी को नहीं कहते हैं, कपोत कबूतर को कहते हैं, माना सारे पक्षी होते हैं। बस प्रश्न ये ध्यान रखो, कपोत क्या है? अपने आप में एक कबूतर। और कपोत संस्कृत का शब्द है, हिंदी में वो एक शब्द है कबूतर। तो संस्कृत में कपोत क्या है? पद। अब एग्जामिनर ने शिक्षण विधि में प्रश्न पूछा आपसे कि प्राथमिक स्तरे पठनस्य अयम विधिर अस्ति। प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि पढ़ाने के लिए है। तो प्राथमिक कक्षाओं में स्टार्टिंग कहां से करोगे? प्राथमिक कक्षा कौन सी है? लेवल चाहिए, फर्स्ट हो चाहिए सेकंड हो? हाँ जी बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में लेवल कहाँ है? बात करें कक्षा 6 में पढ़ाओगे संस्कृत फर्स्ट लेवल वालों, क्योंकि 5वीं तक तो संस्कृत ही नहीं है। तो कौन सी क्लास से शुरू करोगे आप? कक्षा 6 से। और मैं कौन सी क्लास की बात शुरू कर रहा हूं? कक्षा 6 से। और लेवल नंबर सेकंड लेवल वाला है उसके लिए भी एग्जाम ने पूछा है प्राथमिक स्तर पर, हाँ 6 से 8 वाले के लिए भी और जो बच्चा 1 से 5 तक है उसके लिए भी संस्कृत में प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे पूछे ही जाएंगे कि प्राथमिक स्तरे पठनस्य प्राथमिक विधिर अस्ति, कि प्राथमिक विधि है। ऑप्शन दे रखे हैं उसने 4, नंबर 1 वाक्य, नंबर 2 वाक्य विधि पद विधि, पहली वाक्य विधि दे दी फिर पद विधि दे दी उसने, तीसरी उसने व्याख्या विधि दी और चौथी उसने सूत्र विधि दे दी। चलिए 4 हैं ऑप्शन में, पद विधि, वाक्य विधि, व्याख्या विधि और सूत्र विधि। क्या सही होना चाहिए? क्लियर करें, प्राथमिक स्तर में पढ़ाने की यह प्राथमिक विधि है, कौन सी है? कोशिश तो करना होगा आपको। पद विधि, शाबाश। क्यों? क्योंकि कक्षा 6 से तो स्टार्ट करोगे संस्कृत, एलकेजी से कैसे करोगे? और ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया आंसर शानदार दिए जा रहे हैं, बिल्कुल पद विधि होगी मित्रों। तो लेकिन वहां पर हमारा दिमाग कहाँ आगे पीछे हो जाता है, वो सोच के देखो। अक्सर बच्चे क्या कर आते हैं, प्राथमिक विधि में वाक्य पढ़ाऊंगा। हाँ, कक्षा 6 से 8 में यानी सेकंड लेवल वाला ये काम कर आता है, बहुत बढ़िया। अरे भैया सबसे पहले दिमाग को कूल तो रख, कहां से शुरू हो रही है उसके। अच्छा, ऐसा ही प्रश्न और है, उस प्रश्न में भी चलते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों पर चलेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी। अनुवाद विधि, अनुवाद विधि कस्य शिक्षणे भवति, अनुवाद विधि किस शिक्षण में होती है? चलिए कोशिश कीजिएगा, अनुवाद विधि किस शिक्षण में होती है। मैंने अनुवाद शिक्षण नहीं पूछा है, मैंने पूछा है अनुवाद विधि किस शिक्षण में होती है। नंबर 1 गद्य शिक्षण, नंबर 2 पद्य शिक्षण, नंबर 3 नाटक शिक्षण, नंबर 4 व्याकरण शिक्षण। फिर से सुने मेरे प्रश्न को और दिमाग को दौड़ाएं। मेरा पहला प्रश्न है, अनुवाद विधि कस्य शिक्षणे भवति, किस शिक्षण में होती है अनुवाद विधि? पहला ऑप्शन है पद्य शिक्षण, नंबर 2 गद्य शिक्षण, नंबर 3 नाटक शिक्षण, नंबर 4 व्याकरण शिक्षण। बच्चे ने आंसर दिया है पद्य शिक्षण, और कोई बच्चा देने की कोशिश करो, आप आंसर देने की कोशिश करो भाई। मैं आपका जितना भी समय, 1 घंटा ले रहा हूं, जितना भी समय ले रहा हूं, वो पूरा पूरा हमारा पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए कोशिश करो और कोशिश करो। पद्य शिक्षण, ओके ठीक है, और कोशिश करो। पद्य शिक्षण एक था आपका, पद्य शिक्षण था एक, गद्य शिक्षण था एक, आपका जो है व्याकरण शिक्षण था एक, आपका नाटक शिक्षण था। किस शिक्षण की विधि है अनुवाद विधि? कोशिश करोगे तो ही समझ में आएगा, और जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। कोशिश कर रहे हैं बच्चे खूब अच्छा खासा। सर क्वेश्चन फिर से बोलो, बिल्कुल सुनो, अनुवाद विधि कस्य शिक्षणे भवति, अनुवाद विधि कस्य शिक्षणे भवति। नंबर 1 पद्य शिक्षणे, नंबर 2 गद्य शिक्षणे, नंबर 3 व्याकरण शिक्षणे, नंबर 4 नाटक शिक्षणे। एक ने व्याकरण शिक्षण दिया है, एक ने पर शिक्षण दिया है, एक ने पद्य शिक्षण दिया है। चलिए इस प्रश्न में अब आंसर बता दूं मैं। सारी विधियों को काउंट करें और देखें, पद्य शिक्षण में अनुवाद शिक्षण नहीं होता। पद्य कहते हैं श्लोक को, वहां पद्य शिक्षण में अनुवाद नहीं होता है, इसलिए अनुवाद विधि नहीं होती है। पद्य शिक्षण में गद्य शिक्षण में होती है। जी हाँ, गद्य शिक्षण में, क्योंकि गद्य शिक्षण की उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण तीन विधियां प्रमुख हैं और प्रवचन विधि के अंतर्गत अनुवाद विधि होती है। सोचिए एग्जाम नहीं, थोड़ा सा सोच, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा भाई, आप क्या सोचते नहीं पूछेगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, मैं एक प्रश्न और लेता हूं। आप कोशिश करें जो जितने भी बालक हैं, हम यूं रोज जब भी समय मिलेगा हम दिमाग को दौड़ाएंगे। लिखने की कोशिश मत करना, दिमाग में सोचने की कोशिश करना कि क्या प्रश्न पूछा है उसने। एग्जामिनर पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष क्रिया वस्तु प्रदर्शन गद्य शिक्षणे प्रविधिर्भवति। प्रत्यक्ष क्रिया वस्तु प्रदर्शनम गद्य शिक्षणे प्रविधिर्भवति। किस विधि के अंतर्गत, किस प्रविधि के अंतर्गत, गद्य शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष क्रिया और वस्तु प्रदर्शन होता है। चलिए कोशिश करें। गद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में किस प्रविधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष क्रिया। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। कि किस विधि के अंदर होता है? उद्बोधन विधि के अंतर्गत होता है। बिल्कुल, अब आए समझ में। मैंने पूरी कोशिश की है अपने ऐप पर इन चीजों को समझाने की और आगे और समझाऊंगा इन्हें। प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या है प्रश्न कि एग्जामिनर दो दो शब्दों को रख करके दो दो रख दिया उसने, प्रत्यक्ष क्रिया और दूसरा क्या रख दिया उसने, वस्तु प्रदर्शन। ये गद्य शिक्षण की कौन सी वह प्रविधि है जिसमें यह होता है? उद्बोधन विधि नंबर 2, प्रवचन विधि नंबर 3, स्पष्टीकरण विधि और नंबर 4 व्याख्या विधि। अब जितने भी हैं 4 या 5 प्रश्न करेंगे हम, लेकिन ये 5 प्रश्न को से हमारा दिमाग पूरी तरह खुल जाएगा कि हाँ प्रश्न यूं पूछता है। उद्बोधन विधि जो है उसमें यह होता है। अब हम अगली बात कर लें आगे की, जैसे कि प्रश्न और क्या पूछ सकता है हमसे। प्रश्न आया है 4थे नंबर का, पूछ रहा हूं, 4 प्रश्न 4थे नंबर पर चल रहे हैं। उद्बोधन, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने, उद्बोधन विधि में ही होता है मित्र ये। अगला मेरा एक प्रश्न है, उस पर भी आप सीधा फोकस करें और सोचें कि कहां कार्य कर रहे हैं। संस्कार प्रदानम, ध्यान रखिएगा मैंने प्रश्न पूछा है संस्कार प्रदानम कस्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। संस्कार प्रदान करना किस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? संस्कार प्रदान करना किस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? नंबर 1 गद्य शिक्षण, नंबर 2 अनुवाद शिक्षण, नंबर 3 नाटक शिक्षण और नंबर 4 पद्य शिक्षण। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दिया है नाटक शिक्षण। दोनों बच्चों को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नाटक शिक्षण में क्या पूछा गया है उस पर सीधा सीधा फोकस करो कि क्या ऐसा चीज है। संस्कार प्रदान करना नाटक का है, भूमिकाओं के माध्यम से ऐसा होता है। अगला प्रश्न कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपसे प्रश्न है। प्राथमिक स्तरे नाटक शिक्षणस्य अयं विधि प्राथमिकरस्ति। नाटक शिक्षण की क्या लिख क्या रहे हो? सीधा सीधा से जाओ। मैंने पूछा है नाटक शिक्षण में अभिनय नाटक प्रश्न फिर से देखें हम, फिर से इस प्रश्न को ले। नाटक से जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए इस प्रश्न को मैं और घुमा देता हूं। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे ने बहुत सारा घुमाया है उसको, कोशिश करो इसे। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ऑप्शन दो। नंबर 1 भाषा ज्ञानम, नंबर 2 चरित्र शिक्षण। नहीं भाई, ऑप्शन सुन लो ना ताकि अपने आप समझ में आ जाएगा। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, नंबर 1 भाषा ज्ञानम, नंबर 2 रसानुभूति, नंबर 3 संस्कार प्रदानम, नंबर 4 भावावी अभिव्यक्ति। कोशिश करो। नहीं भाई, भावाभिव्यक्ति तो हो ही नहीं सकता 4 नंबर का। तो चरित्र शिक्षण कैसे होगा भाई? उसमें जब ला रहे हो भाई चरित्र शिक्षण एक नया ही शुरू मत करो। हमारे पास है, हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में सारे प्रश्न हैं, किंतु जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है आपकी। इसके लिए अपने दिमाग को कुछ प्रश्नों को उसी तरह से सीखने की कोशिश करो जिसकी वजह से वो आए। रसानुभूति तो पद्य शिक्षण की भाई, मैंने का पूछा है। मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति पद्य शिक्षण का। और किस और करो, दिमाग को दौड़ाओ, क्योंकि प्रश्न जब तक सुनोगे नहीं तब तक दिमाग में बैठे ही नहीं का। अच्छा, थोड़ा सा एक विभक्ति से भी मिलता जुलता हम प्रश्न बात कर लें, हो सकता है आपके याद हो जाए और काम आ जाए। प्रश्न है डीएसएसपी पीजीडी टीजीटी के बारे में पूछा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे हम जो बात चल रही है उस पर। तो मित्रों सबसे पहले आ जाओ कि विभक्तियों पे हम चल रहे हैं। तो विभक्ति पे प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको आता है, उस पर चले। एग्जामिनर दिया है सत्पुरुषा, सत्पुरुषः इत्यत्र विभक्तिरस्ति। सत्पुरुष शब्द है हिंदी का, वो पूछ रहा है सत्पुरुषः, विषय लगा है और स के बाद में आ की मात्रा, तो सत्पुरुषः। यहां विभक्ति पूछी है तो 4 ऑप्शन है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया या चतुर्थी। प्रथमा विभक्ति में होगा कि द्वितीया विभक्ति में होगा कि तृतीया में या फिर चतुर्थी में होगा? बहुत बढ़िया, प्रथमा विभक्ति में है, बहुत ही सुंदर। अगला विभक्ति का है कि कृष्ण जगतः कर्ता अस्ति, कृष्णः जगतः कर्ता अस्ति। यही दे दे वो, कृष्ण से जगतः कर्ता अस्ति, जैसा भी स्थिति हो, और वो वहां पूछ रहा है जगतः में कौन सी विभक्ति है। जगतः, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। क्योंकि इतना बिल्कुल इजी पेपर रहेगा और पैराग्राफ से आएंगे। अब जरा सा बात कर ले, हम एक उदाहरण ले लें किसका, शब्द रूप का। छोटे छोटे शब्द रूप का लो, विभक्ति के बाद में हम शब्द रूपों को भी देखें एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा हमें। इत्यत्र, सोच के देखो क्या है, डी विदो विदो, ठीक है, तीसरा धी और चौथा है विदो। तो विधौ शब्द में मूल शब्द क्या है? ऐसी स्थिति में क्लियर करके चलो कि मूल विधि विधौ शब्द जो है रूप है, उसमें मूल शब्द विधि होगा, विदु नहीं होगा। और आ जाओ, थोड़ी थोड़ी चीजों को और देखो। अब आ जाओ धातु रूप में। धातु रूप में पैराग्राफ से एक प्रश्न दे दिया आपको, अपालियन। अपालियन में कौन सा लकार है? चलिए कोशिश करके बताओ, अपालियन में कौन सा लकार है? मेरा पहला है ऑप्शन लट लकार, दूसरा ऑप्शन है लोट लकार, तीसरा है लंग लकार और चौथा है विधिनी लकार, विधि लिंग लकार चौथे नंबर का। मैंने प्रश्न पूछा है अपालयन में कौन सा लकार है? चार ऑप्शन चाहिए किसी को, बताइए मुझे भाई। वहां भी तो आपके दिमाग में ही होना चाहिए और यहां भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपके गोले सही भरे जाएंगे। और समय समय पर आपके दिमाग का मूल्यांकन। अच्छा, भूतकाल अर्थ में लंग लकार, बिल्कुल सही है आपका। सब ये अपालियन में कैसे याद रखें? अरे सीधा सा सिंपल सा तरीका है इसका। एक तो आपके जितने भी जो पैराग्राफ आएगा वो भूतकाल में ही होगा, ये ध्यान रखना। आसीत मिलेगा वहां, ए भवन, ए गच्छन, ए पालियन, ये सारे किसके हैं? भूतकाल के। भूतकाल के में लकार कौन सा होता है? लंग लकार। लंग लकार का है, खत्म होगी कहानी। अब आए थोड़ा सा हम प्रत्यय को लेकर, एक प्रश्न प्रत्यय का भी लेते हैं, ताकि आपका जितने भी बच्चे आप जवाब दे रहे हैं, आपका थोड़ा सा खुद का भी मूल्यांकन हो जाए और आपको ये कॉन्फिडेंस भी आए कि सर ने प्रश्न पूछे थे और हमने कम से कम जवाब तो दिया, जवाब देने का प्रयास करो। प्रत्यय में मेरा एक प्रश्न है, जीना है, जी बड़ी की मात्रा है, न उसका विसर्ग है, जीन है। जीने में कौन सा प्रत्यय है? चलिए कोशिश करो। कोशिश करोगे तो आ जाएगा। जीन है पूछा है, लकार प्रत्यय पूछेगा। चार ऑप्शन दे रहा हूं, फिर बताइएगा मुझे। नंबर 1 सत्री, नंबर 2 त्रिच, नंबर 3 कथ यानी कि क्वथ, और नंबर 4 सानच। जीने में कौन सा प्रत्यय है? जीन, लीन, नहीं मित्र, सत्री प्रत्यय नहीं है। बिल्कुल सही है आपका आंसर, क्वत प्रत्यय होता है। राइट, कत प्रत्यय होगा। बिल्कुल नहीं भाई, सानस नहीं होगा। चौथे नंबर का तो मैंने सानस बोला था, सानस कैसे होगा जीन में? ये आपका खुद का मूल्यांकन है, और ऐसा मूल्यांकन मैं ना केवल YouTube पे लाइव आकर के, लाइव तो आऊंगा, उसमें आपको खुद आपस में हम बात करेंगे। मंगलवार को, आज रविवार है, मंगलवार को 8:30 बजे मैं फिर आऊँगा। हम आधे घंटे छोटी छोटी चीज़ों को तैयार करके फिर आगे बढ़ेंगे, और तभी तो समझ में आएगा कि जीना कितना ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी सफलता लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, मैंने कुछ लाइनें और भी किसी ने कही हैं, हमें अपनों ने ही नहीं लूटा। सुन लेना बेटा पहले ही, प्रत्यक्ष में समास कौन सा है? तो प्रत्यक्ष में पहले ये तो बता कि विसर्ग है कि प्रत्यक्ष में। ओ, प्रत्यक्ष में अव्ययभाव समास है बेटा। जीर्ण में क्वत प्रत्यय है, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षम जो पूछ रहा है, प्रत्यक्षम में अव्ययभाव समास होगा। और अक्षणो अभिमुखम, उसमें समास बिगड़ा होगा। अक्षणो अभिमुखम, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां प्रतिसम अनु वक्षणो अक्षणो जो सूत्र है, उस सूत्र की वजह से होगा मित्र वो। तो इसीलिए किसी ने कहा है, हमें अपनों ने नहीं लूटा, हमें अपनों ने नहीं लूटा, हमें परायों ने भी नहीं लूटा। थोड़ा चीज सीख लीजिए इन चीजों को, मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं। हमें अपनों ने नहीं लूटा, हमें परायों ने भी नहीं लूटा, हम तो बैठे थे किनारे, हम तो बैठे थे किनारे, हमें दरिया ने भी नहीं लूटा। कुछ समझ में आई मेरी बात? क्योंकि किनारे बैठे हुए हैं, अरे तैरने की कोशिश तो करो। दरिया किसी को नहीं डुबाता, अपने किसी को नहीं डुबोते, पराए किसी को नहीं लूटते। तो मित्रों ऐसी स्थिति में छोटे छोटे प्रश्न हैं, और जब तक आप जवाब देने की कोशिश करते रहो। मैं अगला छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, कोशिश करो, आएगा तो भी दो, नहीं आ रहा तो भी दो, कहीं ना कहीं तो सही होगा वो। मेरा प्रश्न अगला है, अक्षम अक्षम प्रति नहीं होगा मित्र, नहीं, अक्षम अक्षम प्रति नहीं होगा उसका। आप क्या कर रहे हो, प्रतिदिनम शब्द की तरह या प्रत्येकम की तरह कर रहे हो। और मैं बता दूं, ये प्रश्न प्रत्यक्षम वाला 2016 में सेकंड ग्रेड संस्कृत में आरपीएससी ने भी पूछा है, और अक्षणों अभिमुखम ही राइट किया है, अक्षम अक्षम प्रति नहीं किया। उसका कारण है जो है वहां पर जो है प्रत्येकम जो प्रतिदिनम है, उसमें अलग नियम दिया हुआ है, और जो प्रत्यक्षम है उसमें अव्ययभाव में अलग नियम है। इसीलिए मैंने कहा भाई ऐप पे बच्चों को ये तो बेनिफिट होने वाला है। ऐप पर और बेनिफिट क्या है? औरों से क्यों भाई, हम वो पढ़ेंगे ना जिससे सिलेक्शन हो, जिससे क्लियर हो कि क्यों। और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखो। आइए जरा सा एक बार एक प्रत्यय का और उठाते हैं, और देखते हैं कि क्या प्रत्यय पे हम और आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। प्रत्यय पे मेरा अगला प्रश्न है, उस पर सीधे चले जाओ। रूपवान, चलो रूपवान शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है? 4 ऑप्शन दूंगा। रूपवान, बिल्कुल इजी पूछ रहा हूं मैं आपसे, रूपवान में कौन सा प्रत्यय हो सकता है? नंबर 1 क्वतवतु, नंबर 2 सानच, नंबर 3 मतुप, नंबर 4 सत्री। रूपवान में बेटा मतु प्रत्यय होगा, बिल्कुल सही है आंसर बच्चे ने दिया जो मतु प्रत्यय होगा, बिल्कुल मतुब ही प्रत्यय होगा बेटा, उसमें रूपवान में सानच नहीं होगा, क्योंकि सानच जो प्रत्यय है वो वर्तमानकालीन है नंबर 1, और सानच में आन में न पूरा बचता है, सानच में आन, जबकि मतुप में मतुप में मत शेष रहता है, और मत जो शेष रहता है उसमें भी मैं को वह हो जाता है और तय को न, और आन बनता है, इसलिए रूपवान बनेगा, मतुप प्रत्यय होगा। चलिए और कोशिश करते हैं, जब तक आप एक दो प्रश्नों का आंसर और दें और फिर हम अपने आप को विराम देंगे कुछ शब्दों के साथ में। याद रखिएगा मंगलवार को 8:30 बजे हम फिर मिलेंगे लाइव क्लास, यानी कि लाइव ही मिलेंगे, और एक विशेष रूप से हम और ध्यान रखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ मोटिव, आज का जो मोटिव है, मोटिव क्या करना है आपको, आप खुद टीचर हैं, केवल गवर्नमेंट में ही तो जाना बाकी है, और आपको तो केवल मोटिव इसलिए करना कि आपके ब्रेन को क्लियर किया जाए, और यदि दिमाग में ये हो गया कि हाँ सर के प्रश्नों के आंसर दे पाए हैं तो वहां एग्जाम हॉल में तो मेरे प्रश्नों से भी जी आने वाले। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर दें, अभी समास की ही बात चल रही थी, बिल्कुल समास की ही बात चल रही थी, और मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछने वाला हूं। द्विमूर्धा, द्विमूर्धा में कौन सा समास है, द्विमूर्धा में कौन सा समास है? नंबर 1 द्विगु, नंबर 2 अव्यभाव, नंबर 3 बहुव्री, नंबर 4 कर्मधारय। चलिए बताइए, कोशिश करो। द्विमूर्धा विसर्ग है, द्विमूर्धा मुंह में ऊ की मात्रा बड़ी है, द के ऊपर र है और द्वि है। कोशिश करो द्विमूर्धा में कौन समास है, कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है कि उसमें अव्ययभाव समास है या फिर द्विगु समास है। द्विमूर्धा बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही आंसर आया बेटे का, बिल्कुल द्विमूर्धा है जिसकी 2 मूर्धाएं हों, बहुव्रीहि में गया भाई, द्विगु तो हो ही नहीं सकता, द्विगु नहीं हो सकता क्योंकि द्विगु समास में नपुंसक लिंग में चलता है। जैसे नवरात्रम द्विगु समास है भाई, नीलांबरम कर्मधारय समास है। थोड़ा सा समास के बारे में आप ध्यान रखो, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए मैं आपसे फिर मिलूंगा मंगलवार को 8 बजे, 8:30 बजे मिलूंगा, और मैं यही कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है वो भी पूछो। मैं अब आपका 5 मिनट आपके पास है, आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप मुझसे पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको प्रश्नों के जवाब देने की, साथ में ही आपका क्यों है वो आंसर उसका भी जवाब दूंगा। कोशिश करें आप। सर वर्ण परिचय में से और पूछ लो, अच्छा वर्ण परिचय में से, चलिए वर्ण परिचय में से सीधा सा मेरा एक छोटा सा प्रश्न उसका ही आंसर दें आप, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उच्चारण स्थान क्या है। तो मेरा छोटा सा है कि माहेश्वरी सूत्रों में, माहेश्वरी सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? माहेश्वरी सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? चलिए कोशिश करो। भाई 14 माहिष्य सूत्र हैं। इन 14 माहिष्य सूत्रों में से कितने ऐसे हैं माहेश्वरी सूत्रों में बहुत ही सुंदर आंसर दिया है। शाबाश बेटा, मेरे प्रश्न का सही आंसर दिया है। 14 नहीं बेटा 15 हैं। माहेश्वरी सूत्रों में कितने इत्संज्ञक वर्ण हैं? मैंने ये नहीं पूछा है कि माहेश्वरी सूत्रों में कितने अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, ये नहीं पूछा है। मैंने प्रश्न पूछा है कि माहेश्वरी सूत्रों में कितने इत्संज्ञक वर्ण हैं, तो बेटा 15 ही होंगे। 14 तो अंतिम, और बेटा एक लण में लैग में जो ए है वो भी इत संज्ञा में जाएगा, और ऐसी स्थिति में 15 होंगे। आपने पूछा ना कैसे, तो भैया 14 तो कौन से अंतिम वाले, और एक कौन सा लण में जो ल है उसका ए है उसमें भी जो है इत संज्ञा में जाएगा। अच्छा पेडालोजी पढ़ाऊं? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अच्छा दिल्ली वाले हैं वो भी तैयार रहें। दिल्ली वालों के लिए भी पीजीटी टीजीटी का शुरू कर रहा हूं मैं ऐप पर। बस धीरे धीरे आप सीधा कीजिएगा, अभी शुरुआत है, यह आगाज है, और सफलता दिलाने आपके साथ में हर समय खड़ा रहूंगा। सफलता केवल बातों से नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा, और इसके लिए आप लगातार बने रहें। साथ में ही मैं कुछ और भी समझा दूं आपको, कि एक बार मैं फिर कहूंगा आपसे, आप दिल्ली से हो या दिल्ली की तैयारी कर रहे हो, यूपी से हो या यूपी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा से हो या हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट से हो चाहे वो, और ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बेटा तैयार रहो। और इसी के साथ में मैं आपको कहूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। जो भी जिसपे भी आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे उनको भी, और उनका भी जो भी समस्या हो, जिस भी बच्ची की या बच्चे की समस्या हो संस्कृत से रिलेटेड, किसी भी पेपर से, किसी भी स्तर के पेपर से, किसी भी स्टेट के पेपर से, बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का अगली जो क्लास होगी उसमें मैं बात भी करूंगा और उन सबका जवाब भी दूंगा। इसी के साथ जय हिंद।